भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 श्रृंखला तो हो चुकी है खत्म। अब बारी है ओडीआई सीरीज की, जहां टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका दौरे पर टी20 के बाद अब 3 ओडीआई मैचों की सीरीज खेलना है और आखिरी में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज है। अब ओडीआई सीरीज के लिए इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों ही टीमों का 100% कन्फर्म और फाइनल टीम स्क्वाड ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर अनाउंस हो चुका है, जहाँ दोनों ही टीमों में कई सारी बड़ी बड़ी चेंजेस और बदलाव हुई है इस ओडीआई सीरीज के लिए। तो दोनों ही टीमों का स्क्वाड दिखाने के साथ साथ ओडीआई सीरीज के शेड्यूल और कार्यक्रम भी आपको दिखाने और बताने वाले हैं कि आखिर सभी मैचेस कब, कहां और कौन से स्टेडियम में खेले जाएंगे, कौन सा मुकाबला कितने बजे शुरू होने वाला है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहें। अब जहां इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका के बीच सबसे पहले 3 टी20 मैचों की सीरीज खेली गई। अब टी20 श्रृंखला तो एक-एक की बराबरी पर खत्म हुई, लेकिन अब इसके बाद 3 ओडीआई मैचों की सीरीज खेली जाएगी, जहां भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच ये ओडीआई श्रृंखला 17 दिसंबर 2023 से शुरू होने वाली है, जो 21 दिसंबर 2023 तक की पूरी सीरीज साउथ अफ्रीका में ही खेली जाएगी। तो ओडीआई सीरीज के लिए बीसीसीआई ने भारतीय टीम का 16 मेंबर्स 16 सदस्यीय टीम स्क्वाड अनाउंस किया है। अब जहां टी20 सीरीज के कप्तान सूर्य कुमार यादव थे, वाइस कैप्टन रविंद्र जडेजा थे, लेकिन इन दोनों ही खिलाड़ियों को ओडीआई सीरीज के लिए टीम में नहीं चुना गया है, इन दोनों ही खिलाड़ियों को रेस्ट दिया गया है। इसके साथ ही साथ मोहम्मद सिराज को भी ओडीआई श्रृंखला में आराम दिया गया है। इसके अलावा जहां भारतीय टीम में रजत पाटीदार को शामिल किया गया है, जबकि पहली बार साई सुदर्शन को भी टीम इंडिया के स्क्वाड में सिलेक्ट किया गया है इस ओडीआई श्रृंखला के लिए। तो वही भारतीय टीम में वापसी हुई है संजू सैमसन विकेट कीपर बल्लेबाज की, इसके अलावा टीम में युजवेंद्र चहल की भी वापसी हुई है। तो वही जहां अक्षर पटेल इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए उन्हें टीम में सिलेक्ट नहीं किया गया था, लेकिन ओडीआई सीरीज के लिए अक्षर पटेल को भी टीम में शामिल किया गया है। अब टी20 की तरह ओडीआई सीरीज में भी रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह ये सभी खिलाड़ी नहीं खेलेंगे, इन्हें आराम दिया गया है। तो हार्दिक पांड्या भी टीम का हिस्सा नहीं होंगे, जबकि मोहम्मद शमी पूरी तरह से फिट नहीं है, इस वजह से वो भी टी20 के बाद ओडीआई सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। अब ऐसे में इन खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में टीम इंडिया को लीड करेंगे केएल राहुल, विकेट कीपर बैट्समैन कप्तानी केएल राहुल को दी गई है। तो कुछ इस तरह से भारतीय टीम का ओडीआई स्क्वाड साउथ अफ्रीका के खिलाफ नंबर 1 पर कप्तान केएल राहुल, जबकि नंबर 2 ऋतुराज गायकवाड़, नंबर 3 सिराज अय्यर, नंबर 4 रजत पाटीदार, नंबर 5 संजू सैमसन विकेट कीपर बल्लेबाज, जबकि नंबर 6 रिंकू सिंह, नंबर 7 साई सुदर्शन, नंबर 8 तिलक वर्मा, नंबर 9 अक्षर पटेल, नंबर 10 वॉशिंगटन सुंदर, नंबर 11 युजवेंद्र चहल, नंबर 12 कुलदीप यादव, नंबर 13 अवेश खान, नंबर 14 मुकेश कुमार, नंबर 15 दीपक चहर, तो नंबर 16 पर अर्शदीप सिंह। तो ये रहा टीम इंडिया का 16 मेंबर्स ओडीआई स्क्वाड साउथ अफ्रीका के खिलाफ। बात करें साउथ अफ्रीका की टीम स्क्वाड के बारे में ओडीआई सीरीज के लिए, जबकि ओडीआई सीरीज का शेड्यूल और कार्यक्रम तो आगे पूरे विस्तार से आपको दिखाएंगे और बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का ऑफिशियल स्पॉन्सर है इंडियास नंबर 1 क्रिकेट पेपर, क्रिकेट प्रेडिक्शन एक्सपर्ट्स। अगर आपको टॉस या फिर मैच सेशन की फिक्स रिपोर्ट चाहिए 100% एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्शन चाहिए, तो अभी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं क्रिकेट प्रेडिक्शन एक्सपर्ट्स को, जिनके मैचेस बैक टू बैक पास जाते हैं। इस सीरीज में अब तक सभी मैचेस इनके बैक टू बैक पास गए, चाहे टॉस हो या फिर मैच हो। अब इनका काम काफी अच्छा है, जो लोग इनके साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो काफी प्रॉफिट में, तो आप भी इनके साथ जुड़ के मैच का मजा उठाने के साथ साथ अच्छा खासा कमा भी सकते हैं। तो अभी फटाफट कॉन्टैक्ट करो क्रिकेट प्रेडिक्शन एक्सपर्ट्स को इनके व्हाट्सएप पर, इनका व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और साथ ही साथ इनके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। अब पढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच होने वाली वनडे सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने भी साउथ अफ्रीका का 15 मेंबर्स 15 सदस्यीय टीम स्क्वाड अनाउंस किया है, जहां टीम में कई बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं। अब कप्तान तेंबा बाउमा, इसके अलावा कगिसो रबादा एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर, इन दोनों ही खिलाड़ियों को टी20 के बाद ओडीआई सीरीज में भी रेस्ट यानी कि आराम दिया गया है। तो वहीं मार्को जेनसन, जबकि टीम के जबरदस्त यंग फास्ट बॉलर जेराल्ड कोट्सिया, इन दोनों ही खिलाड़ियों को ओडीआई सीरीज के लिए टीम में नहीं चुना गया है। तो कुछ इस तरह से साउथ अफ्रीका का 15 मेंबर्स टीम स्क्वाड ओडीआई सीरीज के लिए भारत के खिलाफ नंबर 1
पर कप्तान एडिन मार्करम, नंबर दो ओथनील ब्राथमैन, नंबर तीन टोनी डी सोल्सी, नंबर चार रीसा हेंड्रिक्स, नंबर पांच हेनरी क्लासन विकेट कीपर बैट्समैन, नंबर छह केशव मेहरा, नंबर सात मेहलाले एम पोंगवाना, जबकि नंबर आठ पर डेविड मिलर, तो ही नंबर नौ पर व्यान मुल्डर, नंबर दस पर एंड्रली फ्लिक वायो, नंबर ग्यारह तबरेज शमसी, नंबर बारह रसी वंदल दुसान, नंबर तेरह काइल विरिन ने, नंबर चौदह लिजार्ड विलियम्स और नंबर पंद्रह पर नांद्रे बर्गर। 13 साउथ अफ्रीका का टीम स्क्वाड ओडीआई सीरीज के लिए। अब बात करें सीरीज के शेड्यूल और कार्यक्रम के बारे में, तो तीन ओडीआई मैचों की सीरीज का पहला वनडे मुकाबला भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच 17 दिसंबर 2023 संडे को खेला जाएगा जोहान्सबर्ग के न्यू वंडरर्स स्टेडियम में, जो भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे से यानी कि 1:30 PM से पहला वनडे मैच शुरू होने वाला है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा ओडीआई मुकाबला 19 दिसंबर 2023 ट्यूजडे को खेला जाएगा केबरा के एसटी जॉर्जेस पार्क स्टेडियम में, जो भारतीय समय अनुसार दूसरा वनडे मैच शाम को 4:30 बजे से यानी कि 4:30 PM से स्टार्ट होने वाला है। वहीं सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मैच इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 21 दिसंबर 2023 थर्सडे को खेला जाएगा पारल के बोलेंड पार्क स्टेडियम में, जो भारतीय समय अनुसार शाम को 4:30 बजे से यानी कि 4:30 PM से तीसरा ओडीआई मुकाबला शुरू होने वाला है। तो ये रहा सीरीज का शेड्यूल। तो फिलहाल इस वीडियो में बस नहीं, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो भी फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में पिन है, वहां पर आईपीएल और क्रिकेट की हर एक अपडेट सबसे पहले दी जाती है।